प्रिय बच्चों, अभी पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने स्वर संधि का चौथा भेद यानी यण संधि का अभ्यास किया। आगे पांचवा और स्वर संधि का आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम भेद है अयादि संधि। अयादि संधि एक बार देखिए, अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावा। इसमें क्या है, एच आय अव आय आ। एच बराबर क्या होता है, ए ओ आई औ। एच बराबर ए ओ आई औ। यदि इनके सामने कोई सा भी स्वर अक्षर आता है, ए ओ आई औ के बाद कोई सा भी स्वर अक्षर आता है, तो ए को हम आय कर देंगे, ओ को अव कर देंगे, आई को आय कर देंगे और औ को आव कर देंगे। एक बार देखिए, यण संधि की तरह बिल्कुल इसका नियम है। हमने अभी पहले यण संधि में भी आप लोगों को बताया कि इससे पहले की संधियां हम ऐसे मिला रहे थे, लेकिन अब क्या है, इस अक्षर को देख के इस अक्षर को चेंज करना है, ये अक्षर अपने स्थान पर जैसा का तैसा आ जाएगा। इससे पहले दीर्घ गुण वगैरह में हम क्या कर रहे थे कि संधियों के दोनों अक्षरों को मिला के एक नया अक्षर बना रहे थे, लेकिन इन दोनों संधियों में यण और अयादि में मिला के नया अक्षर नहीं बनाना, बल्कि बाद वाले अक्षर को देख के प्लस से पहले वाले अक्षर को चेंज करना है। देखिए, मैंने यहां पर लिखा ने प्लस अन, ने प्लस अन। हमें यह देखना प्लस से पहले हमारा क्या है, ना का ए। हमने इस ए को ले लिया, प्लस के बाद है अन, अन का हमने आ ले लिया, आ को देखते ए को हमने आय कर दिया, क्योंकि ए किसमें चेंज हुआ है, आय में, तो इस ए को हमने आय कर दिया और ना अपनी जगह पर है, आधा ना अपनी जगह पर है, क्योंकि आधे नाम से हमने ए निकाला, आ को देखते ए चेंज हुआ आय, और ना अपनी जगह पर। अब ये सारे अक्षर जब हमने चेंज कर दिए, इस सारे अक्षरों को आपस में मिलाइए, आधे नाम आ मिलाइए ना बन गया, आधे यहां आ मिलाइए या बन गया और ना अपनी जगह पर आ गया, यानी ना या ना। मे प्लस अन ए और आ को देखते हुए आ का स्पर्श करते ही ए अपने को आयन चेंज करेगा, आयन आके मिलेगा तो नयन बन जाएगा। एक उदाहरण है पो प्लस अन, पो में से हमने ओ निकाल लिया, अन का आ ले लिया, आ को देखते हुए जो ओ है वो अपने को चेंज करके अव बन गया, अन अपनी जगह पर है। अब जब ओ को हमने अव कर लिया तो इस अव में अब सारे अक्षर मिलाइए, यानी पो का जो पा था आधा उसमें इस आ को मिलाइए तो पा बन गया, इस बाना आपको मिलाइए तो वा बन गया, ना अपनी जगह पर आ गया तो पवन, यानी पो प्लस अन बराबर पवन। एक आगे उदाहरण है नई प्लस अप, नई में कौन सा ए है, बड़ा, बड़ा ए प्लस अ, बड़ा ए अपने को क्या कर देता, आय, आय, तो इस आय को हमने कर लिया, आई को आय में बदल दिया, और तो अपनी जगह पर फिर सारे अक्षरों को मिलाइए, ना में बड़ा आ मिलाइए ना, या में आ मिलाइए य, और का अपनी जगह पर का, यानी नायक, नायक। ऐसे ही एक उदाहरण अयादि का देखिए, एक उदाहरण है यहां पर भाव प्लस उप। अब आपको यह देखना है प्लस से पहले कौन सा बड़ा ओ है, बड़ा ओ, तो बड़ा ओ हमने नीचे उतारा, उ और का उतार दिया। अब ये जो इसमें हमें बड़ा ओ उतारना, बड़ा ओ, ये बड़ा ओ किसमें से निकला, आधे भाव में से, भाव को अलग कर दीजिए, उ को देखते हुए औ को हमें चेंज करना, उ को देखते हुए औ को चेंज करना, तो औ किसमें चेंज होगा, आ, तो हमने औ को क्या कर लिया, आ, उ अपनी जगह पर, का अपनी जगह पर, भा अपनी जगह पर, सारे अक्षर केवल उ को देख के हमने औ को चेंज किया, शेष अक्षर अपनी जगह पर उतार दीजिए। अब भा में आ मिलाइए तो क्या बन गया, भा,
वा में वो मिलाइए तो क्या बना वो, और का अपनी जगह पर क्या बना भावुक, यानी भाव प्लस उप आउ प्लस उ को देख के आउ को हमने आव किया, आव में जब वो मिला तो भावुक भावुक। ऐसे बहुत सारे मान लो ये उदाहरण आप और देखिए, आप एक उदाहरण ले लीजिए हो प्लस अन, देखिए आपको यानी प्लस से पहले क्या है ओ, प्लस के बाद क्या है और ना अलग है, यहां पर हा आधा छोड़ दीजिए, आपको देखते ओ को हम क्या करेंगे, ओ क्या होगा अब, अब शेष अक्षर अपनी जगह पर उतारिए सारे के सारे, अब इन सारे अक्षरों को मिलाइए, आगे हमें आ मिला तो बन गया ह, वा में आ मिला तो बना व, और ना अपनी जगह पर यानी हवा ना। एक बार फिर देखिए हो प्लस अन, आपको देखते ओ जो है वो अपने को अब में बदल देगा, अब जब हो जाएगा आप अपनी जगह पर बना रहेगा, सारे अक्षरों को मिलाइए हा में आ ह, वा में आ व, और ना मिलके बन गया हवन। तो आज ये जो अपना स्वर संधि का प्रकरण था अयादि संधि के साथ समाप्त होता है, आगे के नए पाठ्यक्रम के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।